हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं अटैक एंड ओकुपाई मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 13 है। लिंग सेन को बाहों में उठा के दूसरा रूम में ले जाता है। वहां पे सेन को होश आता है, उसे प्यास लग रहा होता है, इसीलिए लिंग उसे पानी पिलाने का ट्राई करता है, पर सेन पी नहीं पाता है, इसीलिए लिंग उसे किस के जरिए पानी पिलाता है। देन वो सेन को बेड में सुला देता है। सेन का फोरहेड टच करके निम को पता चलता है कि उसका बॉडी गर्म है। सेन को अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, इसीलिए निम डॉक्टर को कॉल करने के लिए वहां से जाने लगता है, पर सेन उसे रोक के बोलता है, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। ये सुन के निम सोचता है क्या उसे ड्रग किया गया है। टब में पानी लेने के लिए जाता है। इधर सेन को अनकंफर्टेबल लगने लगता है, इसीलिए वो अपना शर्ट का बटन खोलने लगता है। जब निक वापस आ जाता है, वो सेन का बॉडी को देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। निक वेट टॉवल से सेन का बॉडी को पोंछने लगता है। सेन उसे अपने करीब खींच के किस करता है। निक मन में सोचता है क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इससे पहले सेन ऐसी हालत में कुछ करे, निंग अपना टाई खोल के उसके हाथों को बांध देता है। देन वो उसका बॉडी को वेट टॉवल से रब करता है। सेन जब सो जाता है, निंग उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। देन वो कॉल करके सेन के लिए नए कपड़े मंगवाता है। सेन को सुबह होश आता है, वो सोचता है वो कहाँ पे है। उसके सर में भी दर्द हो रहा है, वो बेड से नीचे गिर जाता है। शोर सुन के निंग तुरंत रूम के अंदर आ जाता है। निंग को देख के सेन गुस्से से उसे चाटा मारता है। देन वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। निंग उसे बोलता है तुम्हारा असिस्टेंट कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे नहीं आ सकता। सेन पूछता है क्यों, क्या हुआ। निंग बोलता है उसने जियांग युआन ग्रुप से चीट करके पैसे ले लिए हैं। सेन का ईगो को देख के निंग उसे ड्रग के बारे में नहीं बताता है। पंच मारने की वजह से सेन के हाथ में हल्का सा चोट लग जाता है, इसीलिए निंग उसे पूछता है क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हो। सेन बोलता है मुझे बस हल्का सा ही चोट लगा है। निंग बोलता है क्या होगा अगर ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। सेन सोचता है मैंने उसे चाटा मारा, फिर भी वो मुझसे गुस्सा क्यों नहीं है। उसे देख के लगता है वो सच में मेरे लिए परेशान है। निंग उसे बोलता है यहाँ पे टैक्सी मिलना इजी नहीं है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, उससे पहले तुम कुछ खा लो, तुम्हें भूख लग रहा होगा। सेन बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। तभी उसके पेट से साउंड निकलता है। निंग हंसते हुए बोलता है मैंने कुछ नहीं सुना। सेन एम्बेरस होके बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो। निंग उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। उसके जाने के बाद सेन सोचता है मैं उसके सामने हमेशा नर्वस क्यों फील करता हूँ। खाने के बाद निंग उसे बोलता है तुम्हें थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। सेन बोलता है मुझे ज्यादा भूख नहीं है। तभी निंग का कॉल आता है। वो सेन को पूछता है क्या मैं कॉल रिसीव कर सकता हूँ। सेन बोलता है तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो। निंग बोलता है कुछ देर पहले तुमने ही तो बोला था चुप रहने के लिए। ये सुन के सेन को एम्बेरस लगता है। निंग कॉल रिसीव करता है, उसे पता चलता है कि मो फिर से बीमार पड़ गया है। निंग मो को बोलता है तुम नैनी के साथ पहले हॉस्पिटल चले जाओ, मैं कुछ देर बाद स्ट्रॉबेरी खरीद के तुम्हारे पास जाऊंगा। तभी सेन सोचता है मैंने सुना है कि निंग ने किसी से शादी नहीं किया है, पर उसका ये बच्चा कहाँ से आया। सेन चेयर से उठ के बोलता है अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकते हो। निंग बोलता है सब ठीक है, मैं तुम्हें पहले घर तक छोड़ दूंगा,
ये सुन के सेन बोलता है, तुम मेरे साथ अच्छे से पेश क्यों आते हो? निंग बोलता है, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत सारे बुरी चीजें किए थे। ये सुन के सेन कुछ रिप्लाई नहीं देता है। निंग सेन को कार में बिठा के घर तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में वो एक शॉप से स्ट्रॉबेरी खरीदता है। वो सेन को एक स्ट्रॉबेरी देता है। सेन सोचता है, आखिर उसे कैसे पता कि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। सेन एक स्ट्रॉबेरी खाता है। निंग उसे पूछता है, क्या स्ट्रॉबेरी स्वीट है? सेन एम्बेरस होके बोलता है, मुझे यहाँ से टैक्सी मिल जाएगा, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के हॉस्पिटल जा सकते हो। निंग उसे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहते हो? मैं वहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। सेन जाने के लिए मान जाता है। हॉस्पिटल में दो नर्स सेन को घूरने लगते हैं। एक नर्स दूसरी नर्स को बोलती है, क्या वो घोस्ट है? वो दूसरी नर्स बोलती है, तुम नॉनसेंस बातें मत करो। सेन को हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं। उसे हॉस्पिटल का डिसइंफेक्शन का स्मेल अनप्लीजेंट लगता है। मो हॉस्पिटल में रो रहा होता है। जब वो सेन को देखता है, वो उसे हग करने के लिए बोलता है। मो बीमार था, इसीलिए सेन उसे गोदी में लेता है। उसे देख के निंग बोलता है, मैं तुम्हें जब भी कैरी करता हूँ, तुम मुझसे भी ऐसे बिहेव क्यों नहीं करते? तभी मो सेन को चीख में किस करता है। ये देख के निंग शोक में पड़ जाता है और उसे तुरंत सेन से दूर ले जाता है और उसे बोलता है, तुम सेन को फ्रीली किस नहीं कर सकते। ये सुन के मो रोने लगता है। उसे शांत करने के लिए निंग उसे स्ट्रॉबेरी खाने के लिए देता है, पर मो उस स्ट्रॉबेरी को सेन को देता है खाने के लिए। सेन स्ट्रॉबेरी खाता है। उसे कफ होने लगता है। निंग उसे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? सेन बोलता है, मैं बस थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ। निंग बोलता है, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, तुम जाके रेस्ट कर लेना। ये सुन के ऊ बोलता है, क्या आप चले जाएंगे? सेन उसका सर में हाथ रख के बोलता है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं फिर से तुम्हें देखने आऊंगा। देन दोनों वहां से निकल जाते हैं। बाहर में सेन निंग को बोलता है, मो मेरी तरह दिखता है। निंग बोलता है, क्या सच में? उसने मुझे आज तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया है। वो जब भी मुझे देखता है, वो हमेशा रोने लगता है। सेन बोलता है, वो बहुत अडोरेबल है। देन निंग पूछता है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सेन उसे बोलता है, आखिर तुम कितने साल के हो? देन वो वहाँ से जाने लगता है। निंग उसे बोलता है, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। सेन बोलता है, मुझे नहीं लगता मुझे इसकी जरूरत है। देन वो टैक्सी में बैठ जाता है। निंग उसे बोलता है, फ्यूचर में तुम्हें अटेंशन देना होगा। तुम्हारे चारों तरफ कैसे लोग हैं, किसी पे भी ज्यादा ट्रस्ट मत करना। तुम्हारा असिस्टेंट शायद कंपनी नहीं जा सकता। तुम्हारा प्रीवियस असिस्टेंट कहाँ पे है? सेन बोलता है, वो 1 वीक के लिए छुट्टी में है, वो परसों वापस आ जाएगा। निंग बोलता है, ये अच्छी बात है। देन वो चला जाता है। निंग अगेन उसे रोकता है। सेन उसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? निंग पूछता है, मैंने सुना है कि तुम अक्टूबर में शादी करने वाले हो, क्या ये बात सच है? सेन बोलता है, हाँ। ये सुन के निंग सैड हो जाता है, पर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता है। उसके जाने के बाद निंग सोचता है, सेन को ऐसे ही लाइफ चाहिए था। उसे लगता है, बस डरपोक लोग ही रोते हैं, पर आज वो खुद रो रहा होता है। तभी उसे किसी का चिल्लाने का साउंड सुनाई देता है। वो सोचता है, ये किसका वॉइस है? वो देखता है, हान किसी से चिल्ला के बात कर रहा होता है। वो लड़का जियान है। जियान हान को बोलता है, अंकल का बातों का बुरा मत मानना, उन्होंने जो भी बोला दिल से नहीं बोला है, वो तुम्हें मिस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें हेटफुल वर्ड्स बोले। देन वो हान का शर्ट पकड़ के बोलता है, ब्रदर आप गुस्सा मत होइए। हान उसे धक्का देते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। धक्के की वजह से जियान नीचे गिर जाता है। हान उसे बोलता है, हम दोनों का बीच कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए मेरे सामने दयाबान बनने का नाटक मत करो।
तुम चोंग को प्लीज करने का ट्राई कर रहे थे, क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुम मुझे भी प्लीज करने का ट्राई कर रहे हो? जियान बोलता है, मैंने ये सब नहीं किया है। हान बोलता है, एक धोखेबाज कभी भी एडमिट नहीं करेगा कि वो धोखेबाज है। जियान सैड होके बोलता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे और अंकल के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। डॉक्टर ने बोला है कि वो ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। हान उसे बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम और तुम्हारे मोम हान के घर से निकल क्यों नहीं जाते? अगर तुम चले जाओगे तो उसके और मेरे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा। ये बोल के हान वहाँ से जाने लगता है। तभी जियान उसे रोकता है और उसे बोलता है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, मैं तुम्हें दे नहीं पाया था। इसमें एक स्कार्फ है, मैंने इसे बनाया है ट्यूटोरियल वीडियो देख के। पर हान उसका गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक देता है। जियान बोलता है, अगर तुम्हें स्कार्फ पसंद नहीं आया तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और गिफ्ट खरीद दूंगा। पर हान बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियान रोने लगता है। नींग दूर में खड़ा होके उन दोनों का वीडियो बना रहा था। वो बोलता है, मुझे पता था हान एक अच्छा पर्सन नहीं है। देन वो सोचता है, सेन जिससे शादी कर रहा है वो हान नहीं है, तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वो इरिटेट हो जाता है और सोचता है, क्या सेन मेरे पास वापस नहीं आ सकता? फिर उसे एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि मो बीमार हो गया है। वो हॉस्पिटल जाने लगता है। वो सोचता है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर बाई के अलावा उसके और कोई जान पहचान नहीं है। इधर बाई को दिखाया जाता है, उसके हाथ बंधे हुए थे। आन को देख के बाई खड़ा हो जाता है। ये देख के आन उसे पूछता है, मुझे देख के क्या तुम एक्साइटेड हो गए हो? देन वो उसके करीब जाके बोलता है, क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें कोई और मिल गया है? भाई कुछ रिप्लाई नहीं देता है। आन उसे बोलता है, तुम फिकर मत करो, मेरा भाई तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। भाई बोलता है, क्या तुम मुझे अनटाई करोगे? आन पूछता है, क्या तुम्हें इस तरह बंधे रहना पसंद नहीं है? भाई बोलता है, नहीं। ये सुन के आन उसे अनटाई कर देता है। अनटाई करने के बाद वो अगेन उसका हाथों को बांध देता है। ये देख के भाई सैड हो जाता है। आन उसका हाथों में किस करते हुए बोलता है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? भाई उसे बोलता है, क्या मैं दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता? ये सुन के आन एक कप को जमीन में पटक देता है। देन वो एक पीस का टुकड़ा उठा के अपने हाथ काटने लगता है और भाई को बोलता है, अब हम दोनों सेम पेन फील कर रहे हैं। उसे ऐसे करते हुए देख भाई घबरा जाता है और उसे बोलता है, तुम्हें चोट लगा है, तुम्हें डिसइंफेक्शन की जरूरत है। पर आन उसके करीब जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। देन हमें दिखाया जाता है, आन उसके लिए एक केक लाता है। भाई को खाने का मन तो नहीं था, पर उसके फीड करने पे वो केक खा लेता है। आन उसे पूछता है, क्या यह केक टेस्टी है? क्या मैं भी इसे ट्राई कर सकता हूँ? आन ने उसके लिए एक गिफ्ट भी खरीदा था। गिफ्ट देख के भाई शोक में पड़ जाता है। आन उसे बोलता है, डरो मत, ये उनके लिए वार्निंग है जो मेरी बात नहीं सुनते हैं। क्या आप मेरी बात मानोगे? भाई को हाँ बोलना पड़ता है। देन वो भाई को बोलता है, आज का वेदर कितना अच्छा है, हम दोनों बाहर चलते हैं। भाई पूछता है, पर कहाँ? आन बोलता है, हम दोनों साथ में हॉस्पिटल चलेंगे मेरे डैड को देखने। वैसे भी तुम्हारा कोई फैमिली नहीं बचा है, इसीलिए शादी के बाद मैं तुम्हारा फैमिली बनूंगा। वो भाई को रेडी करता है और उसे बोलता है, तुम अपना कोलीग को बुला सकते हो जिसके साथ तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप है, जैसे कि वो लड़की जो रेस्टोरेंट में थी।
भाई कुछ आंसर नहीं देता है। देन वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं डैड से मिलने के लिए। आन भाई को डैड से मिलाता है। उसे देख के डैड सोचते हैं उसकी आंखें आन की मदर से मैच कर रहा है, क्या ये लड़का उसी का ही बच्चा हो सकता है। तभी आन अपने डैड को बोलता है, मैं सीनियर के साथ ऑफिशियली रहना चाहता हूँ। उसके डैड पूछते हैं क्या वो इससे एग्री है। आन बोलता है सीनियर भी मेरे साथ रहना चाहते हैं। तभी एक डॉक्टर आके आन को बोलती है मुझे उनका ट्रीटमेंट के बारे में बात करना है। वो डॉक्टर भाई को देख के बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने सडनली रिजाइन क्यों दे दिया, जुआन ने तुम्हें कॉल भी किया था पर तुमने कोई आंसर नहीं दिया, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। भाई घबराते हुए बोलता है कुछ नहीं। वो लेडी डॉक्टर बोलती है तुम्हारे फेस को क्या हो गया है, क्या तुम बीमार थे। तभी आन बोलता है सीनियर ने मेरी वजह से रिजाइन किया था, रिजाइन के बाद वो मेरे साथ रह रहा है। ये सुन के वो डॉक्टर कुछ बोल नहीं पाती है। तभी उसके डैड उसे मेडिसिन लाने के लिए बाहर भेजते हैं। उसके जाने के बाद भाई उसके डैड को पूछता है क्या आपके पास कोई रास्ता है आन से पीछा छुड़ाने का। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।